Hi, guys, my name is Uma Sarva. Welcome back to my channel. In today's video, I'm going to tell you about the UMS International Priority Scholarship 2024 2025. It is an opportunity for all the international students to pursue undergraduate and postgraduate studies in Indonesia. The main focus of UMS International Priority Scholarship is to select international students from every part of the world and provide them with the support to pursue their higher studies at university. Hamadians Rakarta in indonesia so in this video i'm going to cover a lot of things that i will tell you about the summary of this scholarship about the scholarship value what documents do you need to apply for the scholarship uh, but uh, study programs are offered by this scholarship and at the end i will tell you how to fill the application form so host country is Indonesia and university name is University Hamadians Surakarta and degree level is undergraduate and postgraduate degree and I'll tell you that it's a fully funded scholarship. It's for international student. It will not only benefit them with the finance support and fund for the tuition fee, but also provide also the other benefits.

पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कौन कौन से बेनिफिट्स हैं ट्यूशन फ़ी तो ऑब्वियसली उनकी कवर हो जाएगी इसमें फॉर द मास्टर स्टूडेंट इनके चार सेमेस्टर होंगे इनके चारों सेमेस्टर्स के लिए जो उनकी ट्यूशन फ़ी है इट इज़ कवर इट विल बी कवर्ड एंड डॉक्टर स्टूडेंट्स के लिए उनके सिक्स सेमेस्टर्स होंगे तो उनकी वो ट्यूशन फ़ी कवर हो जाएगी लिविंग अलाउंस दिया जाएगा बुक अलाउंस दिया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगी आपकी वीज़ा फ़ी कवर हो जाएगी इसमें भी लिमिटेड स्टे परमिट दिया जाएगा रिटर्न ए टिकट हो जाएगा ऑफ फ्री वन ईयर भाषा क्लास फॉर द स्टूडेंट हु चूज रेगुलर क्लासेस तो ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं अच्छा कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र होते हैं हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉ और राइट इंजीनियरिंग फॉर्मेसी जोग्राफ़ी एंड साइकोलॉजी इस्लामिक स्टडीज़ कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेटिक्स ये ऑफ प्रोग्राम है जो कि ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है वट डॉक्यूमेंट्स डू यू नीड आप पर्सनल फोटो आप पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट लेटर ऑफ मोटिवेशन दैट्स अ मोस्ट इम्पोटेंट लेटर टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. सो आपने क्या करना है आपने अगर किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही हैं देन फोकस ऑन योर मोटिवेशनल लेटर अ कॉपी ऑफ थर्ड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट स्कैंड पासपोर्ट खबर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट एंड सी वी बी होगी ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत होगी इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इट्स फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर द मुस्लिम कंट्रीज एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट मास्टर एंड डॉक्टर प्रोग्राम अंडर दिस स्कॉलरशिप अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री एंड ट्रांसकी होनी चाहिए इफ़ आर अपलाई फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम देन यू मस्ट हैव योर योर सेकेंडरी स्कूल डिग्री सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इफ आर अपलाइंग फॉर पी एच डी देन यू मस्ट हैव योर बैचलर डिग्री प्रोग्राम डेड क्या है इसकी फिफ्टीन ऑफ मई डेड लाइन है स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए सो so नो अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म सो दिस इज द लिंक टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप इंटरनेशनल प्रियोरिटी स्कॉलरशिप आई विल पुट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल द ब्रीफ डिस्क्रिप्शनल प्रियोरिटी स्कॉलरशिप ऑल्सो नोन एज आई पी एस इज एन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप ऑफर बाई दिस यूनिवर्सिटी फील्ड ऑफ स्टडी क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है अंडर ग्रेजुएट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ड्यूरेशन स्कॉलरशिप कवरेज आई ऑलरेडी थोड़ी अबाउट द स्कॉरशिप कवरेज अच्छा ऑफर्ड स्टडी प्रोग्राम एक दिख लेते हैं कम्युनिकेशन एंड इन्फॉमेटिक्स कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेटिक्स डेंटिस्ट्री हो गया हो गया इकनॉमिक्स एंड बिजनेस हो गया तो ये आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है इसके रिलेटेड स्कॉलरशिप कवरेज अच्छा रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा तो हम लोग इसे रिव्यू कर लेते हैं आपको फोटो चाहिए होगी लेटेस्ट एकेडमिक सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए होगा लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे अच्छा यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट के लिए अगर आपके आइए और टॉफ़र किया हुआ है देन वेल एंड गुड अगर आपने नहीं किया हुआ देन यू कैन अपलोड योर इंग्लिश प्रोफेसर सर्टिफिकेट योर खबर पासपोर्ट हो जाएगा योर पासपोर्ट हो जाएगा मेक श्योर डेट यू स्कैन फुली एवरी कॉर्नर मस्ट भी स्कैन जो खबर होता है वो अपने कर लेना है अकैडमिक रिकमेंडेशन लेटर होगा एंड मोटिवेशनल लेटर हो जाएगा मेडिकल रिपोर्ट हो जाएगी एंड एग्रीमेंट एंड डिकलेन लेटर हो जाएगा ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए अच्छा आप देखते हैं अपलाई साइन इन क्लिक ऑन साइन इन फर्स्ट यू हैव टू साइन अप क्रिएट योर अकाउंट योर ई मेल एड्रेस

यहाँ पे अपने अपनी सारी इंफॉमेशन दे देनी है कंट्री प्रोविंस होम एड्रेस वगैरह रिसेंट एड, रेजिडेंशियल एड्रेस हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा और सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप जो नंबर है या कोई भी सोशल मीडिया है आपका लाइन हो गया वी चैट हो गया वो करके सेव चेंजेस कर लेना है आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपने माई एप्लीकेशन पर जा रजिस्टर प्रोग्राम करना है इंटरनेशनल प्रियॉर्टी स्कॉलरशिप है फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ़ॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट दिस आज सेल्फ़ फंड प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट

आपने पोस्ट ग्रेजुएट का कर दिया और अंडर ग्रेजुएट का नहीं किया स्कैन कवर पासपोर्ट यहाँ पे आपके पासपोर्ट की कॉपी आ जाएगी यहाँ पे स्कैन पासपोर्ट कर देना यहाँ पे कवर आएगा पासपोर्ट का जो बाहर वाला कवर होता है वो आएगा यहाँ पे स्कैन पासपोर्ट हो जाएगा अकेडमिक इन्फॉर्मेशन में लास्ट यूनिवर्सिटी नेम आपका आ जाएगा ठीक है जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नेम है एड्रेस आ जाएगा जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस है यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट ईयर आ जाएगा फोर टू ज़ीरो वन नाइन आ जाएगा वन एट आ जाएगा और ग्रेजुएशन ईयर मैं कहती हूँ कि हमने टू ज़ीरो टू टू में किया अच्छा जी पी ए बाई स्कोर हम लोग करते हैं योर और जी पी ए स्कोर मैं कहती हूँ कि मेरा आया था थ्री पॉइंट सिक्स मैक्मम स्कोर था फोर पॉइंट जीरो में से मेरा जो सी जी पी आया था वो थ्री पॉइंट सिक्स था यहाँ पे आपने अपना जो बैचलर की सर्टिफिकेट है डिप्लोमा आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप अपलोड कर लेनी है यहाँ पे स्कैन एकेडमिक रिकमेंडेशन आ जाएगा और स्कैन इम्प्लॉय जो भी अगर आप जॉब करते हैं तो आपका जो इम्प्लॉय या सुपरवाइज़र है उनका रिकमेंडेशन लेटर आ जाएगा अगर आप यूनिवर्सिटी में अभी आपने बैचलर किया तो आप अपने प्रोफेसर को कह दें दे विल प्रोवाइड यूर एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर एंड मोटिवेशनल लेटर यहाँ पर आ जाएगा रिमेंबर मोटिवेशनल लेटर इज़ रियली इंपॉर्टेंट स्टडी इंफॉर्मेशन अगर आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रही हैं रेगुलर के लिए स्केल्फ पोस्ट ग्रेजुएट अच्छा मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ फॉर सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे आपने जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है वो अपलोड कर लेनी है आई एग्री ये करके सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर देना है सो दिस इज़ द वे टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप तो so, आप इस तरीके से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई यू कैन मी इन द कॉमेंट बॉक्स इट्स रियली ईजी प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अलाफ इज